वेलकम टू स्टडी प्लग। नमस्कार, चलिए आज एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। हम यूजर से एक नंबर लेंगे और उसे यह बताएंगे कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या वो नंबर जीरो के इक्विवेलेंट है, क्योंकि जीरो को हम ना तो पॉजिटिव मानते हैं ना ही नेगेटिव नंबर मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू में वो दोनों हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h दोनों फाइल लगा दी हमने। अब void main, यहाँ से प्रोग्राम की स्टार्टिंग होगी। कर्ली ब्रैकेट ओपन। मुझे यूजर से एक नंबर लेना है तो कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे? एक वेरिएबल तो डिक्लेयर करना ही है, तो मैं कर रहा हूँ int a semicolon, a नाम का एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मैं clrscl लगाऊंगा, पुराना कोई आउटपुट अगर मुझे नहीं देखना है clrscl लगाते हैं। इसके बाद मैं यूजर को मैसेज प्रिंट करूंगा कि एंटर एनी नंबर, तो यूजर को मैसेज प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट एफ का यूज करेंगे। तो प्रिंट एफ में मैं लिख दूंगा एंटर एनी नंबर, इस मैसेज को पढ़ के यूजर कोई भी एक नंबर डालेगा जिसको मैं स्कैनर से रीड करा लूंगा। अब वो नंबर मेरे पास आ गया है। अब उस नंबर को चेक कराना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो के इक्वलेंट है। तो सबसे पहले हम नेगेटिव के लिए चेक कर रहे हैं। इफ ए, जो वेरिएबल का नाम है वो है ए इज लेस देन जीरो, क्या मतलब है? अगर ए में जो नंबर है वो किससे छोटा है? जीरो से छोटा है। तो हम सब जानते हैं कि जो भी नंबर जीरो से छोटे होते हैं सारे ही नेगेटिव नंबर है जो जीरो से छोटे हैं। तो इस इफ वाले ब्लॉक में मैं क्या लिख दूंगा? यू एंटर ए नेगेटिव नंबर। प्रिंट एफ में क्या लिख देंगे? यू एंटर ए नेगेटिव नंबर, वाला आपने एक नेगेटिव नंबर इंसर्ट किया है। इफ का ब्लॉक बंद कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट बंद। फिर अब मैं चेक करूंगा पॉजिटिव नंबर के लिए। तो फिर मैं लिखूंगा इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब जो इनपुटेड नंबर है अगर वो जीरो से बड़ा है तो 100% वो क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो मैं लिख दूंगा प्रिंट एफ में यू एंटर ए पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर की बात हुई, पॉजिटिव नंबर की बात हो गई। अब मैं चेक करा लेता हूँ क्या वो नंबर जीरो तो नहीं इंसर्ट कर दिया यूजर ने। तो इफ ए डबल इक्वल टू जीरो, सी में इक्वल टू वाला जो साइन है वो दो बार हम जब इक्वल टू लिखते हैं तो उस साइन को इक्वल टू कंसिडर करता है, इक्वलिटी चेक करता है सी का कंपाइलर। तो ए इक्वल टू जीरो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो 100% यूजर ने कौन सा नंबर इंसर्ट किया है? जीरो इंसर्ट किया है। तो इसमें प्रिंट एफ वाली लाइन में लिख देंगे यू एंटर जीरो। इफ का ब्लॉक बंद, गेट सी एच, प्रोग्राम क्लोज। इस प्रोग्राम को अब हम कंपाइल करेंगे शॉर्टकट की से अल्टर प्लस F9। देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। इस प्रोग्राम को अब शॉर्टकट की से रन करेंगे कंट्रोल प्लस F9। ये देखिए रन होना शुरू हो गया है। तो पहले मैं इसमें एक नेगेटिव नंबर डालता हूँ -1, आउटपुट आ गया यू एंटर ए नेगेटिव नंबर। वापस इस प्रोग्राम को रन करते हैं, इस बार मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल देता हूँ। पॉजिटिव नंबर डाला, आउटपुट आ गया यू एंटर ए पॉजिटिव नंबर। वापस इस प्रोग्राम को रन करते हैं थर्ड टाइम, क्योंकि जीरो पे भी इस प्रोग्राम को चेक करना है। इस बार मैंने इंसर्ट किया जीरो, तो आउटपुट आ गया यू एंटर ए जीरो। आशा करता हूँ कि प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। और आपको फ्यूचर में जो भी प्रोग्राम के ऊपर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।